मुझे पता होता मैं इसको यार वहीं पे क्लॉज कर देता। डेट क्रिएट, ठीक है, और इसके अंदर हमें कुछ चीजें करनी होती हैं। डेट क्रिएटेड के अंदर हमें, अरे अब्दुलरहमान, डेट क्रिएटेड के अंदर मैं रखूंगा डेट फील नाम, जो हमने पढ़ा था ना, मॉडल इक्वल टू डेट फील्ड। डेट फील्ड, ठीक है। अच्छा, डेट क्रिएटेड के अंदर मॉडल डेट फील्ड, डेट फील्ड के अंदर हमने क्या रखना है, हमने तारीख रखनी है। कौन सी तारीख रखनी है? डेट डेट फील्ड रखनी है, डेट टाइम फील्ड रखनी है, डेट क्या होना चाहिए भाई? डेट टाइम फील्ड होनी चाहिए। डेट, दोनों में क्या फर्क है? डेट टाइम फील्ड, ठीक है, डेट टाइम फील्ड लग जाएंगे। डेट टाइम फील्ड में डिफॉल्ट सही एरर क्यों इसलिए दे रहा है कि हमने इंटेंशन गलत लगाई है। डिफॉल्ट नो होने चाहिए ना, डिफॉल्ट इक्वल टू नो, इन्हीं अभी को करो। हाँ, और उसके बाद दूसरा काम ये है कि इसको लेंथ इक्वल टू ट्रू होना भी चाहिए, प्रूव भी होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, इसके बगैर कैसे आएगा? यहाँ पे हमने मॉडल कर लिया, मॉडल के बाद हमने यहाँ पे डेट टाइम हमने इंपोर्ट करना है, क्योंकि हमने उसको यूज किया है फ्रॉम जेंगो, और इसको हम कर देते हैं जेंगो डॉट यूटिल्स। यूटिल्स हमें क्या देगा? यूटिल्स हमें टाइम जोन डॉट टाइम जोन, और इसके अंदर इंपोर्ट क्या करो, इंपोर्ट अभी को इंपोर्ट कर दो नौ, अभी क्या टाइम हो रहा है उसको इंपोर्ट कर दो, ठीक है भाई। ये हमारे पास तकरीबन इसका मॉडल बन गया है। ऐसे कॉपी पेस्ट मार लो, यहाँ पे एक और चीज रह गई नीचे। अब हमने इसको जो है ना सिंपलीफाई भी तो नहीं रखा ना, हमने यहाँ पे सरदार बहादुर को कहीं भेजना भी तो है, तो आखिर में हम क्या कर लेंगे? डिफ, डिफ के बाद इसको हम कर लेंगे एस टी आर, ठीक है। रिटर्न सेल्फ, रिटर्न इसको कर दो, इसमें क्या हो रहा है? स्टार सेल्फ, सेल्फ के अंदर ये स्टोर क्यों कर रहा है, इतने क्यों कर रहा है? किशा तुम अभी आ रही हो, हमें चाहिए इसके बाद रिटर्न। रिटर्न हमें मिल गया है, रिटर्न हमें मिल गया है इसके अंदर। और रिटर्न के अंदर हमें एक और चीज, पिछले क्लास में हमने किया था मॉडल में क्या कहा था, क्या क्या था, क्या क्या था, मॉडल सेल्फ डॉट ईमेल क्या था, यहाँ पे हम टाइटल करेंगे ना सेल्फ डॉट टाइटल, यह हमारा मॉडल बन गया। अभी कोई एरर देगा, कुछ चीजें और हैं इसमें। अच्छा, कल तक जिन लोगों का ये डेटाबेस मॉडल वाली क्लास, ये फील्ड वाली जो कमजोर थी ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो जाके अपनी ये स्पीड को रट्टा लगा रहे हैं, ठीक है भाई। वो जो मॉडल फील्ड का जो मैंने पढ़ाया था आपको, आप वो डॉक्यूमेंट दोबारा देखें, और तो डॉक्यूमेंट को दोबारा फिर गोल की पीले। तो कल की क्लास में हम इसका व्यू बनाएंगे और यूआरएल बनाएंगे, और उसके बाद फिर हमने, हाँ बल्कि हमारे पास एक रियल्टल रहता है ना, रियल्टल और अकाउंट का डेटा, उसमें कुछ भी नहीं था, अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है,
मैन रियल्टर में होगा, थोड़ा सा हमें वैलिडेशन डेटाबेस में करनी पड़ेंगी। तो लेकिन ये सारे फील्ड जो है ना, ये देख लेना कि भाई किस तरह। हाँ बल्कि एक और चीज़ रहती है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी टैब है ना, प्रॉपर्टी टैब, और ये हमारे पास सेल्स टैब, इसने हमने अपना इसको हमने अपने पास यहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो हम इसको अपने पास मंगवा लेते हैं। इसको कैसे मंगवाएंगे? सबसे पहले हमारे पास, तो हमारे पास सेल्स टैब है ना, क्लास का नाम क्या था? सेल्स टैब, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, बल्कि हम यहाँ ऊपर से आखिर में कर लें, हम नीचे कर लें। सेल्स टैब पे जाओ, सेल्स टैब में हमने क्या मंगवाना है, मॉडल इक्वल टू, और मॉडल्स के बाद इसमें जाओ मॉडल्स डॉट, मॉडल्स में जाओ और चार फील्ड पकड़ो, क्योंकि चार फील्ड होगा ना उसमें, कुछ भी आ सकता है। चार फील्ड, और चार फील्ड में हमने फंक्शन में क्या पास करना है, फंक्शन में हमने ऊपर वाली क्लास पास करनी है, ठीक है। मैक्स लेंथ हमें लाजमी पास करना है, मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्स लेंथ, और उसके बाद इसमें कर दो करेक्टर 50 कर दो, और इसको कॉमा में। अब ये जरा ख्याल रखने की बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा फोकस का टाइम है, फोकस उसमें जाओ, सेल्स क्लास में जाओ, मेसलेंट, और चूज करो, चूज क्या करो, चूज इक्वल टू, हमने ऊपर क्लास दी थी ना सेल्स स्टेप ये वाली, और इसको यहाँ पे आके हम दे। देखो यार, अच्छा कॉपी भी नहीं है, मैंने कमांड किया, कमांड तो मेरे पास है नहीं। सेल स्टेप ये आ गया मेरे पास, क्लास का कलर चेंज हो गया, क्लास का कलर चेंज हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक कुछ ऐसा चाहिए कि सबसे पहले डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, और सेल्स चूज सेल टैप, उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर वो कोई चूज करेगा डॉट चूज लगाना पड़ेगा, क्या है? नहीं ना, मेरे पास कहाँ, मैंने गलत लगा दिया, आप तो लगे ही नहीं है। सेल्स टैब डॉट, यहाँ पे आओ, डॉट चूज के बाद सही है, कौन लगा तो लगाया था, लेकिन चलो उसको देखते हैं, पहले शुरू कर लें। यहाँ पे हमने चूज लगाया, सेल चूज में हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना, डॉट सेल टैप चूज, चॉइस लगानी है ना कि भाई सेल टैप में से कोई चॉइस हो, चॉइस ठीक है। नेक्स्ट लाइन में भी आ गया, और यहाँ पे हम लगा दें कॉमन, डिफॉल्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट इक्वल टू चॉइस क्या हो गया हमारे पास, डिफॉल्ट। हम जाएंगे सबसे पहले सेल्स टैप में जाएंगे, सेल्स टैप में हम जाके कोई एक चॉइस लगा सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट सेल्स टैप डॉट, सेल्स टैप डॉट दो थी ना, फॉर सेल्स, फॉर सेल, या फिर फॉर रेंट, ठीक है भाई। ये हमारे पास वो आ गई, इसी तरह हम यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम सेल्स टाइप की जगह हमारे पास दूसरा क्या था, प्रॉपर्टी टाइप में हम यहाँ पे और सेल्स प्रॉपर्टी टाइप, और यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, चेंज डिफॉल्ट हम लगा देते हैं हाउस, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हाउस, गलत जगह पे डालते हैं, हॉस्टेस में नहीं था, हॉस्टेस में था। और यह हमारे पास तमाम डेटाबेस के जितने भी हमारे पास तरीक़ेकार थे, फंक्शनैलिटीज थी, मॉडल दूसरे क्लास को इनहेरिट करना, अलग से क्लास बना के चॉइसेस थे, वो सारे इसमें हमने यूज़ कर लिए, और अब मेरे ख्याल से काफ़ी।
भाई मॉडल याद कर लो, काफी यार ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास टाइम है। मॉडल के अंदर सारी चीजें तकरीबन हो गई, इमेज का भी हो गया, इमेज किस तरह डालते हैं, अपलोड का, लिस्टिंग के अंदर, फिर इंशाल्लाह इसका हम उस पर खेलेंगे व्यूज पे। अच्छा असाइनमेंट आप लोगों को भेज देता हूँ। असाइनमेंट ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक अकाउंट है, अकाउंट नहीं कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का मॉडल आप लोगों ने बना के आना, ठीक है? तुम तो बना लोगे। कॉन्टेक्ट के मॉडल के अंदर हमारे पास जमीन डॉट कॉम पे कितनी है, ये है, नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है और मैसेज है। तो कॉन्टेक्ट के ये इसका मॉडल, मैम, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज, इसका मॉडल बना के लेके, बहुत इजी है ये, तो कर लो ना। नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल।